हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 4 का हमारा फर्दर पार्ट। कम्युनलिज्म जो है अलग अलग फॉर्म लेता है पॉलिटिक्स में, और वो क्या है वो हमें देखना है। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। एक जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म का, ये हमारे हर दिन की सोच है, हमारी बिलीफ है। दिस रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजन प्रिजुडाइसिस। ये जो रूटीन में इन्वॉल्व होती हैं ये चीज़ें, जैसे कि हमारा रिलीजियस प्रिजुडाइस, स्टेरियोटाइप्स जो है रिलीजन्स को लेकर, हमारी जो सोच है या हमारा जो कहना है, कम्युनिटीज और बिलीव इन अ सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर द रिलीजन और ओवर द अदर रिलीजन। एक और ये सोच होती है, सभी की होती है ये सोच, कि उनकी धर्म या उनका जो कास्ट या उनका जो धर्म है वो सबसे ऊपर होता है, ऐसा लोगों का मानना होता है दूसरे धर्म के कंपैरिजन में। दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट। हम इस पर विश्वास तो करते हैं लेकिन इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। अगर हम समाज में जाएं या कम्युनिटी में रहते हैं तो कम्युनिटी में डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, और हर किसी का ये कहना होता है कि उनका धर्म सबसे अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर। तो ये जो चीज़ है, हम लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा होता है लेकिन इस चीज़ को हम नोटिस नहीं करते या फिर अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं कि ठीक है। अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। कम्युनल माइंड जो है ये हमेशा ये सोचता है, क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, वो हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस के बारे में सोचते रहता है किसी एक आदमी के जो अपनी रिलीजियस कम्युनिटी को मान रहा है। फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी, वो लोग जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। और इसके कारण क्या होता है, जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी मतलब ऐसी कम्युनिटी जिसमें लोग ज़्यादा हैं या मेजॉरिटी वाले लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, ऐसे धर्म जिसमें ज़्यादा धर्म मतलब वो जो धर्म काफ़ी बड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले लोग क्या सोचते हैं कि उनका मेजॉरिटी की वजह से डोमिनेंस जो है वो उनके हक में होगा, कह सकते हैं कि वो अपना राज चलाने की कोशिश करते हैं। फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, और जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनकी समाज बहुत छोटी है, जिनका धर्म बहुत छोटा है, इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ डिज़ायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। उनके मन में हमेशा ये रहता है कि उनके लिए एक सेपरेट या एक अलग से पॉलिटिकल यूनिट बनना चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ होगा तो मेजॉरिटी वाले लोग जो हैं उन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जिसके जिसके वो हकदार हैं, जो या जिसका उन्हें राइट है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रिक्वेंट फॉर्म। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है रिलीजियस लाइन्स पे देखा जाए तो ये एक और फ्रिक्वेंट फॉर्म है कम्युनलिज्म का। ये इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ स्केट सिंबल्स, अलग अलग सिंबल्स जो हैं उसका यूज करना, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन अ पॉलिटिकल एरिया। पॉलिटिकल एरिया में एक ही जगह सारे के सारे जो लीडर्स हैं उन्हें लाना या सभी फॉलोअर्स को लेकर आना, ये उनका मेन मोटो होता है। इन इलेक्टोरल politics, this often involves special appeal to the interest and emotion of voters of one religion in preference to other. और ये electoral politics जो होती है जिसमें elections होते हैं, ये often involve करती है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा special appeal को to the interest, जो interest और emotions को ध्यान में रखते हैं voters के एक religion के, in preference to other, दूसरे लोगों को देखने के बजाय वो लोग क्या करेंगे, तो आपको मोटिवेट करेंगे या आपको स्पेशल अपील करेंगे कि प्लीज़ आप वोट दीजिए, आपको ये चीज़ मिलेगी या ये फ़ायदे मिलेंगे, प्रेफरेंस आप अदर को ना करें, इसलिए एक ही रिलीजन को अपने ध्यान में उन्होंने रखा होता है। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस। कभी कभी तो कम्युनलिज्म जो है अपना सबसे गंदा कम्युनल वायलेंस का जो फॉर्म है वो ले लेते हैं, रॉयट्स एंड मसाकरे, मतलब कह सकते हैं युद्ध जैसी बातें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं कभी कभी कम्युनलिज्म वाले। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल रायट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का, तब इंडिया और पाकिस्तान भी ऐसे वर्स्ट कम्युनल या बहुत ही बुरे से कम्युनल रायट्स के अंदर से सफर्ड हुए थे उस टाइम पे, पार्टीशन के समय में। द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड हैज ऑल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद का समय जो था, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड जो था, उसने भी बहुत बड़े बड़े या बहुत बड़े लेवल पे कम्युनल वायलेंस को देखा है।
सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं। सेक्युलर स्टेट क्या है, उसके पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। वी रिमेन स्ट्रेंजर्स इवन आफ्टर सो मेनी मीटिंग, ब्लड स्टेन्स रिमेन इवन आफ्टर सो मेनी रेन्स। यहाँ पर ये दिया गया है कि हम एक दूसरे से अनजान ही रहेंगे, इवन हमारी बहुत बार मीटिंग हुई हो, ब्लड जो है उसके स्टेन्स या उसके धब्बे वैसे ही रहेंगे बहुत सारी रेन के बाद भी। सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं। कम्युनलिज्म वॉज एंड कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। कम्युनलिज्म था पहले भी और अभी भी एक मेजर चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए हमारी कंट्री में। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज, और जो मेकर्स है या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है हमारा, वो लोग इस बारे से या इस चीज से बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं। दैट इज वाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट, और इसीलिए उन्होंने मॉडल चुना है सेक्युलर स्टेट का। This choice was reflected in several constitutional provisions that we studied last year. ये choice जो है ये reflect होती है, दिखती है several constitutional provisions में जो हमने last year पढ़ा था। There is no official religion for the Indian state. Indian state के लिए कोई भी official religion नहीं है। Unlike the states of Buddhism in Sri Lanka, जैसे कि पर्टिकुलर श्रीलंका बुद्धिज्म के लिए फेमस है, वहीं इस्लाम की बात करें, इस्लामिक जो ये है वो पाकिस्तान में है, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक स्पेशल स्टेटस नहीं देता किसी एक धर्म को। मतलब आपको ये देखने को मिलेगा इंडिया में कोई यहाँ एक धर्म नहीं माना जाता, सारे धर्म यहाँ पर रहते हैं और किसी एक धर्म का यहाँ पर सिक्का नहीं गड़ा हुआ है, सारे धर्म इक्वल माने जाते हैं। The Constitution provides to all individual and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or any to follow any. Constitution जो है हमारे इंडिया का वो ये कहता है कि कोई भी individual या कोई भी community जो है उसे पूरा freedom है वो profess करे, वो practice करे या वो propagate करे एक religion से दूसरे religion जो उसे follow करना है, उस चीज़ के लिए उसे किसी भी तरह की कोई रोक नहीं होगी। The Constitution prohibits discrimination on grounds of religion. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, प्रोहिबिट करना मतलब बंद कर दिया है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के बेस पे। मतलब इसका धर्म छोटा है तो इसे इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करो, उसे ये चीज़ नहीं देनी चाहिए, मंदिर में एंट्री नहीं देनी चाहिए, यहाँ हाथ ना लगा, अनटचेबिलिटी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। At the same time, the constitution allows the state to intervene in the matter of religion. और उसी समय में हमारा constitution ये भी allow करता है कि states जो हैं states को allow करता है कि वो intervene करें या मामलों में interest लेकर या interfere करें in the matters of religion in order to ensure equality within religion communities. Religious communities के बीच में equality हो रही है या नहीं इस चीज़ का check करने के लिए, इस चीज़ को proper maintain करने के लिए हमारा constitution जो है state को allow करता है या उसे ये हक देता है कि वो उन matters को देख सके या check कर सके। फॉर एग्जाम्पल इट बैंस अनटचेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है, मना कर दिया है। अंडरस्टूड दिस इन दिस सेंस सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन। इस तरह से आप अगर समझ गए होंगे तो सेक्युलरिज्म जो है ये जस्ट एक आइडियोलॉजी है कुछ पार्टीज की, कुछ पर्सन की। This idea constitute one of the foundation of our country. और ये idea जो है इसी के कारण हम कह सकते हैं कि हमारे country का एक तरह से एक foundation है या base बना हुआ है। Communalism should not be seen as threat to some people in India. Communalism जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, एक मतलब बुरी चीज़ जो है ये threat के रूप में नहीं देखा जाता some people in India. It threatens the very idea of India. ये एक तरह से डराता है हमारे आइडिया को इंडिया के, तो कम्युनलिज्म को आप देख नहीं सकते। दैट इज वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कम्बैटेड, और इसीलिए कम्युनलिज्म जो है उसे कम्बैट करना बहुत जरूरी है। द सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आज इज नेसेसरी, हमारा जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे हमारा इंडिया में है वो बहुत ही जरूरी है, बट नॉट सफिशियंट टू कम्बैट कम्युनलिज्म, लेकिन इतना सफिशियंट नहीं है कि हम कम्युनलिज्म को कम्बैट कर सकें। Communal prejudices and propaganda needs to be countered in everyday life and religion.
जो कम्युनल प्रेजुडाइजेस हैं और प्रोपोगंडा बनाया गया है, इससे ज़रूरत है वो काउंटर करे एवरीडे लाइफ और रिलीजन को जो बेस्ड है मोबिलाइजेशन के ऊपर, और ये काउंटर करने चाहिए इन द एरिया ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के एरिया में इन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ में जो पिक्चर में एक आप देख सकते हैं एक राज सिंहासन जैसा दिख रहा है या चेयर दिख रही है, जिसपे आपको एक ही चेयर पर बहुत सारे सिंबल देखने को मिलेंगे, जैसे ओम बना हुआ है, इसमें क्रिश्चियनिटी का हमारा सिंबल बना हुआ है, उसके बाद मुस्लिम लोगों का जो चांद होता है या मून का होता है हाफ मून वो सिंबल बना हुआ है। तो डिफरेंट रिलीजन को एक ही इसमें बताया गया है, जो सिक्युलर बताई जाती है, सिक्युलरिज्म इससे शो होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।